गुल्ली डंडा खेलते थे बच्चे में, गोली गोली होता है ना वो खेलते थे उनके संगे नाला रोड में, हम खेलते थे उनके संग में। आज उनका तकदीर हुआ तो ऊपर चले गए, हम अभी फुटपाथ पर ठेला ठेल रहे। और कुछ हो या ना हो, लोग घेर ले गया रोड पर, घेर लेगा भैया ये वो डालो बोल दीजिए, भैया ये वो डालो बोल दीजिए। कौन डालो बोलते हैं? अरे भाई कहीं तारे रे भाई, छोड़ के चला गया बंगाल। कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। वो ठोका दिए कि हम ठोका दिए? हम तो अपना जगह पर हैं। खामोश हो गए हैं, बिहार छोड़ के अपना जा रहे हैं बंगाल में, तो खामोश ही नहीं हुआ से यहाँ से। जितना प्यार बिहार में मिला उतना मिल पाएगा बंगाल में? कहाँ बंगाल में, ममता बनर्जी के सामने उनको पसंद में नहीं रहेंगे, वो तो ठोका देकर चले गए हैं। अभी दिल्ली बम्बे गए, बम्बे से अब जा रहे हैं बंगाल में। अब उसके बाद और कहाँ जाएंगे से, तो वही जाना, हमारे साथ तो गद्दारी किए हैं। ये उनका मकान है सर सिन्हा जी के पीछे मकान है, इनका अपना मकान है, जन्मभूमि यही का है, वो बिहारी का है। अब दीदी के पार्टी में चले गए टीएमसी में, बिहार छोड़ दिए। हाँ क्या कहिएगा? कहेंगे क्या, हमारे भाई के रहते हैं रिश्ता में है, उनको बचपन में खिलाए हमारा जोरदार है। गुल्ली डंडा खेलते थे बच्चे में, गोली गोली होता है ना वो खेलते थे उनके संगे नाला रोड में। आप खेलते थे? हम खेलते थे उनके संग में। आज उनका तकदीर हुआ तो ऊपर चले गए, हम अभी फुटपाथ पर ठेला ठेल रहे। क्या कहते थे उनको? हाँ भैया कहते थे, भैया कहते थे, भैया कहते थे। कौन कौन चीज खेलते थे? गुल्ली डंडा होता है बचपन में, पतंग उड़ाते थे, ठीठा के गोटी होता है ना वो गाना गोटी, वो खेलते थे इसे मार मार के। जीतता कौन था? उतना ज्यादा ध्यान नहीं है भैया, ज्यादा कौन जीतता था, तू तो ध्यान होगा ना। नहीं कभी वो जाते हारते थे, कभी हम जीतते थे। हाँ। एक आदमी नहीं थे, 10 आदमी को बचपन के ग्रुप में थे। बचपन के ग्रुप में? अच्छा तो उनका लाला सुनने का मकान है ना घड़ी वाला का। हाँ। उन्हीं का जस्ट पीछे उनका मकान है अपना। तो कभी मुलाकात हुई है बात? मुलाकात होते हैं तो कभी आते हो, इलेक्शन घड़ी शाही सम्मेलन में आते हैं, ये हिंदी शाही सम्मेलन सब लोग प्रणाम प्रणाम करते हैं, प्रणाम भैया सब लोग जानते हैं। अच्छा तो आप भी बोलिए कि अब तो भाई छोड़ के चला गया बंगाल, कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। क्या कहिएगा कैमरा भाई, भाई अगर आपके सुन रहे हैं, सतुन भैया बोलते हैं ना आप? हाँ भैया बोलते हैं। क्या कहिएगा उनको, बिहार छोड़ के जा रहे बंगाल? वो अब कभी उसमें जाते हैं, कभी उधर जब पार्टी में, अब पार्टी पुआ पार्टी वाला काम कर रहे हैं तो कैसे हम बतावे। हाँ बिहारी बाबू सब? हाँ बिहारी बाबू तो फेमस है, फिल्म में भी बिहारी बाबू। अरे भाई चैने तारे रे, उनका डायलॉग है, डायलॉग ही है। यहाँ और कुछ हो या ना हो, लोग घेर ले गया रोड पर, घेर लेगा भैया ये वो डालो बोल दीजिए, भैया ये वो डालो बोल दीजिए। कौन डालो बोलते हो? अब इतना ध्यान नहीं, कोई भी भैया का याद है? नहीं डालो नहीं ध्यान में है, डालो उनका ध्यान में नहीं है, डालो ध्यान में नहीं है। बिहारी बाबू बंगाली बाबू हो रहे हैं क्या? नहीं खामोश हो गए हैं, बिहार छोड़ के अपना जा रहे हैं बंगाल में, तो खामोश ही नहीं हुआ से यहाँ से। अच्छा खामोश हो गए? उसको तो खामोश ही कहेंगे, बचपना के दोस्त के छोड़ दिए हैं उनका, वो लव कुश टावर एक जब बिशन रोड में बना हुआ है उन्हीं का है। मतलब वो धोखा दिए कि हम धोखा दिए? हम तो अपना जगह पर हैं, वो तो धोखा देकर चले गए हैं। अभी दिल्ली बम्बे गए, बम्बे से अब जा रहे हैं बंगाल में, बंगाल। अब उसके बाद और कहाँ जाएंगे से, तो वही जाना, हमारे साथ तो गद्दारी किए हैं, उनको तो हम यही कहेंगे भैया भाई हमारे बड़ा भाई हमारे साथ गद्दारी किए हैं, गद्दारी किए भाई। और क्या तो कहेंगे, तो हम तो वही कहेंगे, रहते 5-10 रुपया लेते, खाते पीते, दोस्ती प्रेमी होता। दीदी ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी से वो आसनसोल से उपचुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं, जीत पाएंगे? जितना प्यार बिहार में मिला उतना मिल पाएगा बंगाल में? कहाँ बंगाल में, ममता बनर्जी के सामने उनको पसंद में नहीं रहेंगे। हाँ हम जानते हैं, कहते गंगा सागर हम गए थे, गंगा सागर गए थे 3-4 साल पहले भी, तो जितना ही व्यवस्था था सब ममता बनर्जी से, एक आदमी को भुलाने के चक्कर में उतना बड़ा मेला लगा था, भुलाने में प्रशासन खोज के आप अच्छी रहिए आपका आदमी मिल जाएगा, खोज के ला के देता था। क्या मेरा 3 आदमी खो गया था, 17 आदमी से गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी जीत पाएंगे वहाँ? अब से तो नहीं बता सकते भैया उनका किस्मत। आपको क्या लग रहा है, भाई तो धोखा दे ही दिया, क्या लग रहा है? वहाँ तो फेमस में वही है ममता बनर्जी जी, फेमस में वही है, वहाँ वही है। अब आगे उनका भविष्य खराब हो, बिहारी बाबू के तकदीर कहीं चमक जाए तो वहाँ के बन जाए, हार गया तो भविष्य खराब है ना, एकदम करना ही है, एकदम कहेंगे भैया।